आज हम निकल रहे हैं ज्वाला जी से मणिमहेश की ओर। तो 2023 का ये मणिमहेश कैलाश यात्रा होने वाली है। तो फाइनली दोस्तों अपनी एंट्री हो चुकी है भरमौर में। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये है भरमौर का गेट। एक्चुअली डुगलू को ना ठंडी लग रही है, एक्चुअली हवा चल रही है ना भाई साहब, एक्सपीरियंस ना नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। नहा के ना बोले ब्रह्माणी माता की जय, ब्रह्माणी माता की जय, ब्रह्माणी माता की जय, जय माता दी। सफर का ना मतलब ही यादें संजोना है। आज फिर से निकला हूँ एक नए सफर पे अपनों के साथ यादें संजोने। जय भोलेनाथ के दोस्तों, तो फाइनली नया सफर शुरू हो चुका है और ये अपना फैमिली टूर है और आज हम निकल रहे हैं ज्वाला जी से मणिमहेश की ओर। तो 2023 का ये मणिमहेश कैलाश यात्रा होने वाली है। हेलो, तो एक्चुअली सुबह 9:30 बजे हम निकले थे घर से और हमने लिया है अभी जो ज्वाला जी नूरपुर हाईवे है वो, और नूरपुर से आगे मिल जाएंगे पठानकोट चंबा हाईवे के साथ और वहाँ से निकलेंगे आगे भरमौर की ओर। तो अभी ये सफ़र काफ़ी लंबा रहने वाला है और अभी बज रहे हैं 11:30 और सफ़र शुरू किया था हमने सुबह 9:30 बजे, बट आज धूप ना बहुत तेज है, देख रहे हैं आप पूरा स्वेटिंग हो रखी है। हेलो कर दो। हेलो हेलो हे मम्मी जी, अरे आगे पापा जी, आज पूरा फैमिली टूर और सारे जा रहे हैं आज भोले बाबा जी के दर्शन करने। हेलो, ये सही बात है। तो फाइनली अभी पहुंच चुका था 32 मील के आसपास। ये 32 मील जगह है जो पड़ता है अपना कांगड़ा नूरपुर हाईवे पे और यहाँ पे ना एक्चुअली गाड़ी का जो पोल्यूशन टेस्ट है वो करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आगे पुलिस वाले रोके तो पहले ही प्रिपेयर होके निकलना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे ना ये देखो यहाँ पे हो रहा है अपनी गाड़ी का पोल्यूशन और ये है पेट्रोल पम्प। फाइनली पोल्यूशन गाड़ी का हो गया है और अब करते हैं सफ़र को कंटिन्यू। अभी था मैं डलहौजी रोड पे, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है पठानकोट चंबा हाईवे। शाबाश डीजे वाले बाबू, गाना सुना दे। A few moments later. फाइनली दोस्तों अपनी एंट्री हो चुकी है भरमौर में। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये है भरमौर का गेट, बट यहाँ ना पार्किंग की बहुत टेंशन हो रही है। पार्किंग लगाने गाड़ी को ना लगाने की बहुत दिक्कत है, अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। ये टोपी वाले हेलो कर दो। हेलो टोपी वाले बाबा, कहाँ पहुँच गए, कहाँ जा रहे हो, जोर से बोलो ना। तो मणिमहेश जा रहे हो। फाइनली अभी पहुंच चुका था भरमौर और भरमौर में आते ही ना भैया से यहाँ बात करी मैंने पार्किंग के बारे में। एक्चुअली मैं गाड़ी पार्क करने के लिए पूछ रहा था उनसे, तो ऐसे ही बात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि आपको रूम चाहिए, तो मैंने बिल्कुल भैया रूम चाहिए और बहुत ही सही जेन्युइन पर्सन लगे हो। और उनका रूम बिल्कुल जो भरमौर बड़ा सा गेट है ना उसके साथ में ही, थोड़ा बाहर से भी दिखा दूंगा अभी मैं जाऊँगा बाहर डिनर करने, तो वो आपको मैं बाहर से भी दिखा दूंगा। तो इस रूम के चार्जेस जो पे किए मैंने अभी वो किए 800 रुपीज़, मतलब चार्ज था एक रात स्पेंड करने के लिए, अच्छा खासा रूम है। और तो रोड कंडीशन बहुत ही माड़ी है, जो स्पेशली जो चंबा से भरमौर के लिए रोड है ना वो बहुत जगहों से टूटा है, मतलब बरसात का अच्छा खासा असर हुआ है चंबा में भी। और जो पठानकोट चंबा हाईवे है वो भी बहुत जगहों से टूटा है। थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। एक्चुअली मैं आया हूँ ज्वाला जी से, तो ज्वाला जी से मैं ये मणिमहेश यात्रा शुरू की थी, जैसा कि इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा। तो
तो ज्वाला जी से नूरपुर तक का जो रोड है ना वो एकदम चकाचक है, अच्छी कंडीशन है उसकी। बट नूरपुर से मैं पाया जोत ना होते हुए मैं निकल गया दुनेरा की ओर। बट जो लिंक है ना बीच में दुनेरा के लिए, जो नूरपुर और दुनेरा के बीच का लिंक है, एक्चुअली वो लिंक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बड़ी मुश्किल से वहाँ से गाड़ी निकाली मैंने। तो आप भी अगर उस रोड को ना प्रेफर करते हुए बाय जोत आएँ या फिर नूरपुर से आप पठानकोट वाला हाईवे लें और पठानकोट से पठानकोट चनबा हाईवे लें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप इतना उधर से आ रहे हैं, उस साइड से आ रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं सोलन ऊना बद्दी उस साइड से आ रहे हैं तो आप तलवाड़ा डायरेक्ट आओ और तलवाड़ा से नूरपुर से होते हुए सीधे चंबा आओ। और अगर आप आ रहे हैं ज्वाला जी से तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को लगा, क्योंकि बीच में वो रोड बंद नहीं है और बीच में खोला भी हुआ है, वहाँ अगर गाड़ी फंस जाएगी किसी की तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फोर रोड लो, इससे आप इससे अच्छा है आप बाया जोत जाओ। एक बार पूछ लो वहाँ से कि बाया जोत खुला है तो आप बाया जोत लो, या फिर नूरपुर से आप चले जाओ पठानकोट वाले हाईवे पे और पठानकोट से लो चंबा वाला हाईवे, तो वो मच बेटर ऑप्शन है क्योंकि फंसने से ज़्यादा अच्छा है कि वो आप अच्छे से कर पाओ। तो अभी जा रहे हैं बाहर डिनर करने और सुबह नहीं जाएंगे ऊपर ब्रह्माणी माता जी के दर्शन। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा और ऊपर चलेंगे ब्रह्माणी माता जी के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और फिर करेंगे मणिमहेश कैलाश यात्रा की शुरुआत। तो वो सब कल सुबह मिलेगा आपको देखने को और इसी ब्लॉग में मिलेगा, तो कंटिन्यू करूँगा उस चीज़ को। ये हमारे गद्दी जी देखो भाई, चंबा पहुँचते ही चंबा वाले सेटअप में आ गए हैं। चलो गद्दी जी, अपने देख पा रहे हैं आप पूरा क्या बढ़िया सजा है भरमौर का एक गेट और ये सारी की सारी भरमौर की मार्केट। चल फाइनली अभी डिनर करके आ चुके थे और भरमौर का ना बेस्ट फूड है यहाँ पे और सबसे अच्छी बात है चीप प्राइस में। हमने पांच बंदों ने खाना खा लिया मात्र 370 रुपये में, सोचो आप। और अब पूरी नींद लूँगा क्योंकि कल भी मेरा रेस्ट नहीं हुआ था बिल्कुल भी और आज पूरा दिन ड्राइव करके भरमौर तो पहुँच गया बट अब बहुत तगड़ी नींद, बहुत जोर हो गई ना, अब नींद लग रही है तो सोते हैं चल के। लो जी ये भी हो गए रेडी, इधर देख लो भाई कैमरे में, देखो कैमरे में। ये गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भरमौर। तो सुबह के बज रहे हैं 6:15 होने वाले हैं और उठ के हल्के फुल्के फ्रेश हो गए और निकलेंगे ऊपर भरमाणी माता की ओर और वहीं चल के स्नान करेंगे। तो एक बार फिर देख लो, ये कुछ रूम था एकदम, अब मैसेज सा है, लीव कर रहे हैं तो चलते हैं क्योंकि सारे ऊपर चले गए हैं और मेरा वेट कर रहे हैं, मैं लेट लती छोटा गद्दी भी ढूंढता ढूंढता वापस आ गया। चलो 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 शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। ये देखो भाई साहब फ्रेश वेदर एकदम, और जो अपना रूम था ना एकदम मॉल की मार्केट के बीचों बीच था। एक्चुअली वेदर ना यहाँ का एकदम ठंडा सा है, अभी निकला हूँ तो ठंडी ठंडी थोड़ा थोड़ा ठंडा है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है बट सही है और क्लियर है, मतलब धूप लग पड़ेगी ये देखो। एक्चुअल सारे आ चुके हैं और रेडी हैं और ऊपर जा रहे हैं अभी माणी माता की ओर, तो चलते हैं। ऊपर भरमाणी माता का बिल्कुल सिंगल है, आप देख पा रहे हैं ना आगे। फाइनली दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं भरमाणी माता जी के मंदिर में और यहाँ पे हो चुकी है अपनी गाड़ी पार्क और भैया है लेकिन नहीं पर्ची चाच भी अभी क्या आती बात है दे जाओ अभी गूगल पे है ना लो भैया पंजा रुपये खुल देखो।
तो एक्चुअल में गाड़ी हो चुकी है पार, और गाड़ी के पार्किंग के यहाँ पे भरमाणी माता में लिए हैं इन्होंने 50 रुपये, और एक्चुअली सारा अपना ये देखो ना सामान वगैरह निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे होगा स्नान। ओए ठंडू 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 लग रहा ठंडू, ओए गद्दी ठंड गया, गद्दी ठंड गया ना। अरे रोको रोको जैकेट देने मनुआ, रोते थोड़ी हैं, ठंड लग रही, चुप चला जा, ये जगोदा ये ले चल चिमड़ी हूँ नहीं लगना ठंड हो गई। तो एक्चुअल लग गई एक्चुअली एक्चुअली डुगलू को ना ठंडी लग रही है, एक्चुअली हवा चल रही है ना तो छोटे बच्चों को वो रहता है, बट काफ़ी सही है एकदम से धूप अच्छी खासी निकली पड़ी है। और ये देखो यहाँ का वेदर, जय बोलेगी जय बोलेगी, हल्की हल्की धूप सामने वाली पहाड़ियों पे आ रही है ना, बहुत सही नज़ारा लग रहा है ये। नहीं नहीं जैकेट लगानी, चलो 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 आ जा, चल 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 शीर काटना, शीर निकालो, शीर शीर शीर, हाँ चल भाई। भरमाणी माता जी के द्वार और अभी जा रहे हैं स्नान करने, मतलब जो फर्स्ट वो थ्रिलिंग पॉइंट है ना बस वो आने वाला है, क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा होने वाला है। ए भाई नहाएगा ये सोच के ही परेशान है कि इतनी ठंड है और ऊपर से ठंडा पानी। एक्चुअली में ना फाइनली वो टाइम आ चुका है भाई, ये देखो कुछ हो रही ये देखो, और देखो चलाइए। अब भी टॉयलेट धीरे दे मारी है हाथ कपड़े पा कपड़े, चलो 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 कपड़े पा, नोइले नोइले पाइले पाइले पाइले, ठंडू ठंडू है माता माता ठंडू है ना, ऊपर बह ही ऊपर इस पर ये तो बह तो बही फटे पर पैर पैर पर फटा फटा ठंडू लगना जब तक बाथरूम लग गया जो रहे दिया मैं कभी चुप्पी मारता है कदा चलिए ओ आए। तो एक्चुअली मैं ना पानी जो है ना पूरा फ्रीजिंग कोल्ड है और हिम्मत नहीं बढ़ रही है घुसने की, और पापा जी हाँ जी ठंड तो लगा ही मैं इन्हें इन्हें तो पैर ही पाए आइए हट गए मैं लौड़ा आना, एक्चुअली मैं डुगलू ने पैर ही डाले पानी में और बोलती मैंने नहीं नहाना भाई साहब तू इतान भाई साहब एक्सपीरियंस ना नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल नहा के ना हो कुछ नहीं बोलने की हिम्मत कुछ नहीं है।
बात एक्चुअली स्नान करके आ गए हैं और अभी जा रहे हैं हम बहन के दर्शन करने। क्या देखो चौटी दे दी हो आई हैं जय माता दी। बोल भी दे जोर से बोलो जय माता की। बोलो बोल जोर से बोलो अगले भी बोलो बोल। चलो 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 रख दो उसको रख दो। जय माता दी जय माता दी। बस रख दो इसको चलो इधर आओ। चलो चलो फाइनली अभी ब्रह्माणी माता जी के दर्शन करके ना वापस आ गए थे और नीचे उतरेंगे अभी भरमौर की ओर और चलेंगे आगे हरसर जहाँ से यात्रा शुरू होगी। ये देखो क्या सही नज़ारा है एकदम हाइट पे है ना माता का मंदिर। जय माता दी। पैदल वाला रास्ता ना जो नीचे से आते हैं भरमौर से पैदल वो है वो पैदल वाला रास्ता उससे आते हैं और यहाँ पे ना अच्छी खासी फैसिलिटी है लंगर वगैरह लग रखे हैं और जैसे कि यात्रा शुरू होने ही वाली है 6-7 सितंबर के आसपास यात्रा शुरू होने वाली है। हैं क्या बोला है ये देखो ना यहाँ ब्रह्माणी माता के पास ना पूरा लंगर पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे। फाइनली ब्रेकफास्ट भी हो गया और ऐसे ही रहती है कुछ भोले बाबा की कृपा। यहाँ पे आए पहले सुबह लंगर खुले नहीं थे और अभी लंगर में अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर। जय माता दी जय माता जी। फाइनली दोस्तों ब्रह्माणी माता जी के दर्शन करके ना वापिस आ चुके थे गाड़ी में तो एक बार लगा दो जयकारा। बोले ब्रह्माणी माता की जय। ब्रह्माणी माता की जय। ब्रह्माणी माता की जय। जय माता दी।
फाइनली दोस्तों अभी हरसर पहुंच चुके थे और गाड़ी ना पार्क करने में बहुत भाई दिक्कत हुई और एक्चुअली पूरा फुल रश है। देखो सिंगल वे है, पूरा एक लाइन में लगी है गाड़ी, मेरे आगे गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह देख के ना फंसा दी बस गाड़ी। और यहीं से यात्रा शुरू करेंगे, अभी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, सामान वगैरह निकाल लेते हैं जो चाहिए, यात्रा शुरू मणिमहेश की। फाइनली बरमाणी माता जी के दर्शन करके ना हम पहुंच चुके थे अभी हरसर, और ये देखो खूबसूरत सी हरसर की वादियाँ, और वो है ट्रैक, वहाँ से होके ऊपर जाएंगे, वहाँ से और ये देख लो एक बार, और यहाँ पे कर दी है अपनी गाड़ी पार्क, देख लो आप पूरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लग रखी है, गाड़ी के पीछे पूरी एकदम लाइन में पूरी दिख रहे हैं आप, वो नीचे वहाँ से बस थोड़ी सी जगह देखी ना और लगा दी गाड़ी। और रोड कंडीशन भरमौर से हरसर का रोड जो है एकदम मस्त है, मतलब कोई परेशानी नहीं होने वाली। मैं तो ये बोलता हूँ कि चंबा से जो भरमौर का रोड है उससे ज़्यादा बढ़िया है भरमौर से हरसर का रोड। तो ये कुछ अपडेट थी और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि यहाँ से नई जर्नी शुरू होने वाली है, यहाँ से शुरू करेंगे हम मणिमहेश कैलाश यात्रा, तो वो आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि 2023 की मणिमहेश यात्रा रहने वाली है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को शेयर कर दो। नवता शीतल राणा साइनिंग ऑफ, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ ऑलवेज, वे हेलमेट ड्यूरिंग राइड, और गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट भी ज़रूर पहने। बाय बाय। Cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move.